यूपी बीजेपी के कला कमोने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस मुलाकात को लेकर बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत करते हुए कहा कि देखते हैं कि वो बीजेपी छोड़ते हैं या सीएम योगी हटाए जाते हैं। सपा ने बीजेपी पर तंज कसा है। सपा नेता ने एक्स पर लिखा, केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला अंत में कर ही लिया है, इसलिए आखिरी दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दो दो हाथ करने के लिए उतर चुके। देखना सबसे अहम होगा कि विधानसभा सत्र के बाद भाजपा छोड़ने या योगी आदित्यनाथ हटाए जाते हैं। स्वागत है केशव जी। सपा नेता आईपी सिंह ने इससे पहले दावा किया था कि दोनों नेता ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य को सिर्फ मालदार विभाग चाहिए, इसलिए बीजेपी में आपसी मारामारी मची हुई है। उन्होंने कहा कि राजभर को अमित शाह से पैरवी करके पंचायती राज मिल गया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा पीडब्ल्यूडी चाहिए, जिसे सीएम दे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र के इशारे पर यूपी के खजाने को बेरहमी से लूटा जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में हार के बाद से बीजेपी के अंदर की कला खुलकर सामने आ गई। कई नेता खुलकर बयानबाजी करते दिखाई दिए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने तो सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ये तक कह दिया कि संगठन सरकार बड़ा से होता है। इसके बाद दोनों नेताओं के विवाद काफी सुर्खियों में बने हुए। केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों दिल्ली जाकर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद कई तरह की अटकलें भी मिल रही थी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।